क्वेश्चन आया कि जो लोग पाप करते हैं और जो पुण्य करते हैं उनमें कुछ खास डिफरेंस तो देखने को मिलता नहीं है, कि उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिला हो गॉड की तरफ से। तो अभी इस पे हम डीप से आज इस पे वार्तालाप करते हैं, तो आई होप आपको भी समझने का मौका मिलेगा और मेरे को भी, अगर मैं माइंड को देखता हूँ किस लेवल तक एक्सप्लोर कर पाता हूँ। तो क्या कहानी होती है, देखो एक होती है जो नेचर बोलते हैं हम, है ना, और एक है भगवान का कंसेप्ट। भगवान का कंसेप्ट नेचर से बहुत परे है, लेकिन जो नेचर है ना, नेचर कभी भी किसी से, कुदरत देखो आप, अगर सूर्य है, सूर्य कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं करेगा कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या इनमें से कोई एक है पापी है, पुण्य किए हुए हैं, उसको मैं कम धूप दूंगा और दूसरे को ज्यादा धूप दूंगा, है ना, नेचर में सभी इक्वल आते हैं। तो फिर ये जो पाप लगने का कंसेप्ट है, इसमें क्या क्या चीज बताई हुई है, कैसे लगता है ये पाप और इसकी कहानी क्या है, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो जैसे क्या होता है कि वो किसी बाहरी लेवल पे किसी को कोई, ये जो कर्म है ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ पे आती है, जब आप गुस्सा करते हो या कुछ आप पाप करते हो, तो जब आप सोचते हो तो उसी टाइम पे आपको सजा मिल जाती है, पनिशमेंट मिल जाती है। कैसे, फॉर एग्जांपल आपने कोई कोयला हाथ में पकड़ा किसी दूसरे को जलाने के मकसद से, तो सबसे पहले आप उसको हाथ में पकड़ोगे तो आपका हाथ सबसे पहले जलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह जो देखो दो तरह के कानून होते हैं, एक तो जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के आप पे कानून लागू होते हैं, इसी तरह हम भगवान की कुदरत में रहते हैं तो कुदरत के कानून हमारे ऊपर लागू होते हैं, है ना। तो जब हम यहाँ पे कानून भंग करते हैं, लेकिन यहाँ के कानून का क्या है कि आपने किसी को चांटा मार दिया, ठीक है, उसकी आपको पनिशमेंट है, लेकिन अगर आपने किसी को मारने की प्लानिंग कर ली, सोच लिया उसके बारे में, थॉट किया, तो आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं है, है ना। मर्डर करने की सोचने के बारे में तो कोई पनिशमेंट नहीं, मर्डर करते हो तो फिर पनिशमेंट है, लेकिन कुदरत का नियम इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वहां पे कोई नहीं बच सकता, जहां से आप, जहां पे क्राइम करके आप बच सकते हो, लेकिन कुदरत के नियम से ना बच नहीं सकता। वो कैसे, जैसे ही आप सोचते हो किसी के बारे में कि उसकी प्लानिंग करते हो किसी को हर्ट करने की या कुछ, तो जब आप सोचते हो उसी लेवल पे जो हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो ऑटोमेटिकली जो हमारी होती हैं, वो हमारे को उस लेवल के जो हमारे अंदर से वो बीमारियां और गुस्सा, एंग्जाइटी, टेंशन, ये सब चीज़ें रिलीज करते हैं, जिस वजह से बीपी और ये सब चीज़ें, जो हमारी हाइपरटेंशन और ये सब चीज़ें, बीमारियां होती हैं ना, जो पैरालाइज हो जाता हमें, ये सब चीज़ें, तो इसमें वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए हमें, ये तो एक छोटी एग्जाम्पल है। तो तीन तरह के कर्म बताए गए हैं कुदरत में हमें कैसे लगता है, एक तो हमारी बॉडी का कर्म होता है, और एक मन का कर्म होता है, और एक जो हमारा जवान का कर्म होता है, मतलब कि हमारी वाणी का, है ना, कि फिजिकल कर्म होता है, वाणी का कर्म होता है, और जो हम मन के लेवल पे कर्म करते हैं। अभी यहाँ पे जो हमें पनिशमेंट मिलती है नेचर के लेके बोलो आप, चाहे जो हमें पाप और पुण्य का कंसेप्ट है, वो हमारे जो मन पे, हमने मन से जो चीज़ें की है ना उस पर फर्क पड़ता है। फॉर